रीटा, हमें पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, तो क्या हो सकता है? सर, हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, क्या हम वो बिल के अगेंस्ट में पैसे उठा सकते हैं? मुझे लगता है बिल की डेट 2 महीने बाद है। सर, अगर हम बैंक से बिल डिस्काउंट करा ले तो? हाँ, थोड़ा डिस्काउंटिंग चार्जेस जाएगा, पर हमें समय से पहले पैसा मिल जाएगा और हमारी जो ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाएगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है सर, फिर मैं बैंक में फ़ोन करके पूछ लेती हूँ। तो देखा बच्चों आपने कि जब भी हम बिल डेट के पहले, जो डेट बिल के ऊपर मेंशन की है उससे पहले अगर हम इनकैश कराते हैं या उसके बदले में पैसा मिलता है हमें बैंक से, उसे कहा जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अब इसकी एंट्री ज़रा देख लेते हैं। एंट्री क्या हो जाएगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कैश बैंक को क्यों डेबिट किया? क्योंकि हमारे पास कैश बैंक के द्वारा आ रही है। डिस्काउंट को क्यों डेबिट किया? क्योंकि ये हमारे लिए नुकसान है। और बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करने के पीछे का कारण? क्योंकि बिल्स रिसीवेबल हम बैंक को दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप द कंसेप्ट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज विद द बैंक इज क्लियर विथ यू। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच सम मोर रिलीजेस that are going to be done on this channel regarding the bill of exchange. Bye!